राम राम सा। आप सबरो आज की कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। लाल एपिसोड में आपा सुनिया था कि भगवान राम रो जन्म क्या आयो हो और क्या देवता बन की स्तुति करी थी। आओ आगेरी चौपाइया रो गुणगान करा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, रामा पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ई दोहरो अर्थ है कि सगला देवता भगवान री स्तुति करकर आप आपर लोक चलिया गया है और जो तीनों लोकारो उद्धार करे जगत का स्वामी वन प्रभु को प्राकट्य हो चुके है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर सित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज धारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। ई छंद रो अर्थ है दीन दुखिया पर कृपा कर बाला। माँ कौशल्या का हितकारी प्रभु प्रकट होया है। भगवान रो रूप सारे ऋषियां रो मन हर लियो है और माता कौशल्या तो फूली नहीं समारी है। भगवान री आँखियां बहुत ही मोटी मोटी सोनी सोनी लाग रही है और श्याम शरीर जो भगवान को है वो भी बहुत ही खूबसूरत लाग रही है। शरीर पर आभूषण और वनमाला के साथ में भगवान श्री राम प्रकट्या है। भगवान श्री राम जो समुद्र राक्षस खर ने मार बाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, तेहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। ई छंद्र रो अर्थ है कि हाथ जोड़ के सारी माता प्रभु ने कहन लागी कि हे प्रभु जो थे ज्ञान और गुणा से बहुत ही परे हो, ने क्या थारी स्तुति करा। श्रुतियां जो संतारी दया और सुखारो धाम समझर थारो गुणगान करे। हे श्री हरि भक्तासु प्रेम करवाला, मैं थारो गुणगान क्या करा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि तीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेही प्रकार सुत प्रेम लहे। ई छंद को अर्थ है वेद कवे कि थारे प्रत्येक रोम रोम में माया का रचोड़ा अनेक ब्रह्मांड समाहित है। जब थे मारे गर्भ में रहा तो कोई भी बुद्धिमानी पुरुष या बात सोचे तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहे। और जब माता ने ज्ञान हुयो, जब प्रभु मुस्काया और अलग अलग प्रकार के अटखिलिया करना चाहा और कथा बतार माता को सारो संशय दूर करो, जिसे वरना पुत्र प्रेम की प्राप्ति हो। तो इतना सरल है अपना भगवान श्री राम, जो बचपन की अटखेलियाँ थाने चौपाए में महाराज से सुनवाने मिली। काल में दोबारा आऊँगा और भगवान राम के आगे को चरित्र थाने सुनाऊँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।